स्कूलों में नामांकन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इसी के तहत सामुदायिक बाल सभा का आयोजन किया गया। इस बाल सभा में अभिभावकों को नामांकन अभिव्यक्ति की जानकारी दी गई और नए प्रवेश प्रक्रिया को लेकर सुझाव लिए गए। वहीं इस मौके पर आने वाली 22 जुलाई को रूबेला टीकाकरण अभियान की जानकारी को लेकर भी अभिभावकों से चर्चा की गई और उन्हें इस टीकाकरण की अनिवार्यता व लाभ की जानकारी दी गई। सेंट एगल्स स्कूल की प्राचार्य अंशु बंसल ने बताया कि स्कूल से ड्रॉप आउट बच्चों को उन्हें वापस लाने के साथ ही अधिक से अधिक नामांकन के लिए टीमों का गठन किया गया है। यह शिक्षकों की टीमें डोर टू डोर कैंपेनिंग कर बच्चों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने के लिए निमंत्रण कर रही हैं, जिससे कि बच्चों को अच्छी शिक्षा ग्रहण हो सके। वहीं सामुदायिक बाल सभा के तहत विभिन्न छात्रवृत्ति और सरकारी योजनाओं के माध्यम से बच्चे किस तरह से लाभ उठा सके, इसकी जानकारी भी दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में अभिभावक व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां पेश की। सत्र 2019-20 विद्यालय में प्रारंभ हो चुका है। प्रवेश उत्सव का द्वितीय चरण है। प्रथम चरण 9 मई को खत्म हो चुका। आज 2 तारीख को सामुदायिक बाल सभा का विद्यालय में आयोजन किया गया है, जिसके तहत विद्यालय के अंदर नामांकन अभिवृद्धि के लिए कल अभिभावकों को सभा में उपस्थित होने के लिए निमंत्रण पत्र भेजे गए। नामांकन अभिवृद्धि के लिए शिक्षकों को जगह जगह एरिया बांटे गए हैं, जिसके तहत शिक्षक जाके संपर्क कर रहे हैं। विद्यालय से ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालय से जोड़ा गया है। आज राजकीय कस्तूरबा चिकित्सालय से वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर पुष्पलता द्वारा रूबेला कसरा टीका के बारे में बच्चों को जानकारी दी गई है कि ये वैक्सीनेशन अनिवार्य है कराना। इसके साथ ही राजीव गांधी कैरियर पोर्टल के लिए हमारी प्रभारी ने जानकारी दी है बच्चों को कैरियर काउंसलिंग के बारे में। छात्रवृत्ति की विभिन्न योजनाओं, राज्य सरकार की लाभकारी योजनाओं के बारे में मेरे द्वारा बच्चों को बताया गया। अभिभावकों को रिक्वेस्ट की गई है कि प्रत्येक अमावस्या को होने वाली ऐसी मीटिंग में आप 100% राजकीय विद्यालयों में उपस्थिति दें तो निश्चित रूप से राजकीय विद्यालय अग्रणी पंक्ति में खड़े होंगे और आज भी बहुत अच्छी प्रगति कर रहे हैं। साथ ही लाभकारी योजनाओं के साथ साथ विद्यालय में अधिक से अधिक प्रवेश हो रहे हैं और विद्यालय में छात्रों को अधिक से अधिक नामांकन अभिवृद्धि के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज SDMC के सदस्यों के द्वारा वृक्षारोपण भी किया जाएगा और विद्यालय के अंदर कई सहशैक्षिक शैक्षिक गतिविधियों के लिए भी मोटिवेशन किया जा रहा है।